हेलो फ्रेंड, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो क्रिएट नहीं कर पाया बिकॉज हमारे हेक्टिक शेड्यूल, क्योंकि मेरा काम थोड़ा कंस्ट्रक्शन का होता है, तो काम करने के बाद थक जाता हूँ, तो स्पेशली मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ स्लीप पूरी करने पर। अर्ली मॉर्निंग मेरे को निकलना भी होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैनेडा एंड यूएसए बॉर्डर क्रॉसिंग के रिगार्डिंग, ये मोस्ट ज़्यादा लोग अब तक करते आए हैं। एंड मैं उनको अगेन वीडियो क्रिएट करके इन्फॉर्मेशन गाइडेंस दे के रोक रहा हूँ कि भाई ऐसा मत करो, इसमें आपका सिर्फ सबसे बड़ा लॉस ही होने वाला है। अब देखिए, ये वीडियो मेरा क्रिएट करने का पर्पज स्पेशली उनको गाइडेंस देना है जो बंदे कैनेडा से यूएसए की डोंकी लगाने की अगेन सोच रहे हैं। देखिए, आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, उसके बाद डोंकी प्रोसेस करना है या फिर आपको कैनेडा में रह कर अपने एसाइलम अप्लाई करनी है या आपको होल लीगल शेट्स लेना है, तो आप उस पर एक बार अगेन सोच लीजिएगा। ओके, देखिए, वो आपका बाद में डिसीजन है कि आपको क्या करना है। मैं बस आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिससे आप मिसगाइडेड ना हो बिकॉज ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, क्योंकि आपको इसे काफ़ी बैड थिंग्स आगे फेस करनी पड़ सकती है जो भी आप इस टाइम कनाडा में फेस कर रहे हो। इट डज नॉट मीन कि अगर आपने डोंकी लगा ली सब कुछ ठीक हो जाएगा, मे बी सिचुएशन उससे भी बुरी हो सकती है। ओके, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अगर आप ये चीज़ें करने की सोच रहे हैं तो। ओके, तो सारे जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मतलब ऐसा रह नहीं जाएगा कि सस्पेंस आपको ना मालूम पड़े। ओके, प्रॉपर चीज़ों को रिगार्डिंग कुछ स्टोरीज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रॉपर चीज़ जिससे आपको थोड़ा सा आप ये सोच पाओगे कि हाँ मेरे को ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ बात करते हैं आज से रिसेंट डेज के बारे में, जब बोलते थे कनाडा में काम नहीं है इतना, जहाँ रिसेशन है, उनकी जो नीड्स हैं, चाहे उनकी वर्क की नीड्स होगी ना, जब उनको मनी इशूज हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, पीछे लोन भी है, डेब्ट्स भी है, घर पर भी पैसे भेजने होते थे, तो काफ़ी लोगों ने डोंके लगाए क्योंकि फीस ही नहीं निकल पा रही थी। एंड पीछे डेब्ट्स इतने होते हैं कि आपको कोर्ट पर प्रेशराइज किया जाते हैं कि दे नीड द मनी, जो डेब्ट्स उनके ऊपर हैं, तो लोग प्रेशर में ये डिसीजन लेते थे कि हाँ यूएसए की डोंकी लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बैड नहीं, आपको बेटर जो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, एंड यू हैव ए ऑप्शन दैट यू कैन सेंड सम अमाउंट ऑफ मनी टू इंडिया टू कम्प्लीट देयर एक्सपेंसेस। अब देखिए, अब जिन लोगों ने अब तक डोंकी प्रोसेस की है, मे बी दे लकी थे कि उनको वर्क अकाउंट मिला है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, आगे पीआर मे बी हो या ना हो उनके लक पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पहले ही मैं बहुत ज़्यादा वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार कि ये कैनेडा एंड यूएसए है ना, इनके आपस में एक लेटर साइन हुआ है कि जो बंदा जिस कंट्री में पहले लैंड होता है ना, उसको वहाँ पर ही अपनी एसाइलम अप्लाई करनी पड़ती है, उसको खतरा तो इंडिया से है ना यार, जिस कंट्री में लैंड हुआ उससे थोड़ी ना है, एसाइलम अप्लाई करने पहले कैनेडा में करो। कैनेडा अगर आपकी एसाइलम रिजेक्ट कर देगा, देन यू हैव द ऑप्शन दैट यू कैन मूव टू यूएसए। आप कुछ बता तो पाओगे ना कि मैंने वहां पर भी अप्लाई की थी बट मेरी अप्रूव नहीं हुई। अगर आप यहां पर अप्लाई नहीं करते, देन सीधा डायरेक्टली आप यूएसए में डोंकी प्रोसेस करते हो, तो आपकी फाइल में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, और आपके जो भी जज जैसे ये पूछ ले कि आपने कैनेडा में ही अप्लाई नहीं की, आपको अगर आपके पास स्टोरीज नहीं हुआ तो आप सिर्फ वर्क परमिट पर ही लटके रह जाओगे, अब वो कभी सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड नहीं मिलने वाला। एक ड्रॉबैक है सबसे बड़ा कैनेडा में एसाइलम अप्लाई करने बिना अगर आप यूएसए की डोंकी लगाते हो। सेकंड थिंग, अब जो बच्चे जो भी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल के बारे में बात करता हूँ, अगर आप यूएसए की डोंकी लगाने के लिए सिर्फ इसलिए सोच रहे हो कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा बैड है एंड यूएसए में जाकर ठीक हो जाएगी, देखिए अगर आप पहले से इंडिया से डेब्ट्स लेके आए हो, यूएसए में देखो हर कोई बंदा इतना लकी नहीं होता है कि उसको जाते सार ही बैक पुलिस स्टेशन में अपने एंट्री की, आपको एलियन लेटर मिल गया, ओके, और आपको रिफ्यूजी आईडी मिल जाती हो, जाओ आप अपना केस अप्लाई करो, आप वर्क परमिट पर, जब तक आप वर्क परमिट नहीं मिलता आप कैश पर काम करते हो, चाहे उसके लिए 3 महीने लगे, 4 महीने लगे या 5 महीने लगे, आपको रिफ्यूजी आईडी का स्टेटस वहां पर मिल जाता है। बट इन सम केसेस हर बंदे के साथ ऐसा नहीं होता। मैंने रिसेंटली अपने पेज पर बहुत ज्यादा वीडियो जो भी वीडियोज है स्टूडेंट्स के रिव्यूज है वो क्रिएट किए हैं, डाले हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के पेरेंट्स के भी मेरे पास कॉल आते हैं कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, वो कैंप में है, उसको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया है, वो कैनेडा में, उसके साथ क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चीज वाली चीज़ें मैं फेस करता हूँ, लोगों की बातें मैं सुनता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, बच्चों के भी आते हैं, उनके पेरेंट्स के भी आते हैं, तो मैं यह भी वीडियो क्रिएट करता हूँ कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आप किसी के बहकावे में आपको ये मिस्टेक्स अगेन ना करें। ओके, अब देखिए, मान लीजिए अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से यूएसए की डोंकी लगाने की सोच रहे हैं, तो देखिए पहले भी सेम चीज़ थी, अब भी मे भी सेम चीज़ है कि 100 में से 90 स्टूडेंट्स को तो वर्क परमिट या रिफ्यूजी आईडी
पुलिस स्टेशन में मिल जाती है एंड दे आर फ्री टू गो टू द इन द लाइक सिटीज। आप रह सकते हैं, आप कैश पर काम कर सकते हैं, जो भी आप काम करते हो मोस्ट ऑफ लोगों की, जब तक आपका वर्क परमिट नहीं आया था आपको वेलफेयर भी मिलती है, वो एक गुड चॉइस आपको मिल जाता है। बट 100 में से 10 लोग कैंप में चले जाते हैं, उनका क्या, उनका जब तक कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं आता, केस की स्टोरी उनको बढ़िया नहीं लगती, तब तक उनको फ्री नहीं किया जाता। जहाँ तो उनको डिपोर्टेशन लेटर मिलता है या फिर कैंप भी उनको 6-6 महीने तक हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार कैंप में फंस गए ना तो इतना बाहर आना ईजी नहीं होता आपको। जो भी USA का सिटी है ना, या फिर बंदा आपका रिलेटिव वर्क परमिट है, उसको बॉन्ड बनना ही पड़ता है, देन ही आप बाहर निकल पाओगे। ओके, ये मैं प्लीज कर दूंगा आपको। देखिए, पहले बॉन्ड की अमाउंट सी मोश जाती थी 3.5-4 लाख, तो जो भी बंदा सिटीजन है वो बॉन्ड भर के आपको कैंप से बाहर निकलवा सकता था अपनी गारंटी पर, कि मैं इसको जानता हूँ, मेरे नोन में है। ओके, बट अभी जैसे कि ट्रंप आ चुका, अभी अपडेट हो चुका है, ये चीज अपडेट हुई, पता नहीं कितने बंदे करेगा उसकी। यार पहली स्टेटमेंट ये है कि मैंने ये जो इमिग्रेशन है वो कम करनी है, जो बंदे इलीगल है आउट ऑफ स्टेट कर, उनको मैं डिपोर्टेशन लेटर जारी करूंगा। तो फ्यूचर क्या आने वाला मेरे को कन्फर्मेशन नहीं है, मैं आपको प्रॉपर क्लियर ही नहीं कर सकता। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अब डोंकी लगा लोगे, तो प्लीज थोड़ी सिचुएशन सोच के जाइए, क्योंकि अब अगर आप कैंप में भी फंस गए तो आपका बॉन्ड अभी 4 लाख नहीं होने वाला, आपका बॉन्ड जाएगा 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख। मैं कुछ बंदों के ऐसे को भी जानता हूँ जिनके केस में इतनी डिफिकल्टीज थी और उनको 18 लाख रुपए का बॉन्ड भरकर भी कैंप से निकलना पड़ा है। तो अगर आप यार फाइनेंशियल सिचुएशन सभी से ही बैड हैं, और आपको अगर मान लो 100 में से 10 लोगों में आप हुए और कैंप में चले गए, तो आप क्या फैमिली, क्या आपकी फैमिली मेम्बर्स इतना बॉन्ड भर पाएंगे क्या 18 लाख तक का? तो चीज़ों, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी, तो सिचुएशन बहुत है 50-50 है। मे बी आपकी चीज़ें हो ज़्यादा हार्ड भी हो जाए, बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाए, तो ये रिस्क काफ़ी याद है अगर देखा जाए तो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है तो अपने एडवोकेट से मिलिए, कोई लीगल सजेशन लीजिए। मेरे पास एडवोकेट्स की टीम है, मैं जिनसे बात करता हूँ, ओके, बहुत ज़्यादा बढ़िया लॉयर्स भी हैं मॉन्ट्रियल साइड में, जिससे आपके एक्सपेंसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लॉयर का डिफरेंस होता है अपने अपने चार्जेस का, जो भी वो फाइल चार्ज करते हैं। एंड जो सिंपल थिंग, अगर आपको सिर्फ सजेशन की नीड है, तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं 100-150 डॉलर अपने एडवोकेट को पे करते हैं। देखिए, अगर तो आपके जेन्युइन स्टोरी है, आपको इंडिया से वाकई में खतरा पैसा ना अप्लाई करना चाहते हो, तो देन यू मस्ट मीट अ लॉयर, वो आपकी स्टोरी को बेटर क्रिएट करके जज के सामने पेश करेगा, जिससे आपकी PR के चांस थोड़े हाई हो सकते हैं कनाडा में भी। ओके, बट अगर आप चाहते हो कि जस्ट एक लीगल स्टेटस, चाहे वो वर्क परमिट हो या फिर विजिटर वीजा हो, या आपको स्टडी में कन्वर्ट करना है, कितना भी लीगल स्टेज आते हो एंड आपका वर्क परमिट एक्सपायर है, तो मैंने 2 से 3 बच्चों का सोल्यूशन करवाया जिन्होंने मेरे को टेक्स्ट मैसेज किया था, जो बंदे ये सोच रहे थे कि मैं USA की डोंकी लगा जाऊंगा, तो उनका कैसे बढ़िया चल रहा है, वो बंदे खुश हैं क्योंकि वो जॉब भी कर पा रहे हैं, एज वेल एज बढ़िया अमाउंट ऑफ मनी उनके पास है, मतलब वही नहीं है उनको, डोंकी का फैसला उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसका मेन रीजन था फैमिली इशू, ओके, फैमिली इशू सबसे बेटर करते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप मनी के लिए कनाडा जा रहे हो, कनाडा छोड़कर USA जा रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने मेरे से सजेशन लिया उनके फैमिली मेम्बर सारे कनाडा में है यार, फ्रेंड सर्कल उनकी, जैसे भाभी हो गए, भैया हो गए, सिस्टर्स हो गई, ओके, बुआ के लड़के भी हैं, बुआ और भी रहते हैं, तो बंदा क्यों कनाडा छोड़कर जा रहा है USA में सिर्फ सम अमाउंट ऑफ मनी के लिए? आप यहाँ पर प्रिपरेशन कीजिए, USA में जाके आपके पास सिर्फ एक चॉइस है SR में अप्लाई करने की, केरला में आपके पास यार 10 से 20 चॉइस है, मेरे को कॉल करो, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करो, आपको मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, इसके थोड़े से चार्जेस हैं, वो मैं आपको मैं कॉल से बता दूंगा, कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको दूंगा, एज वेल एज बेटर एडवोकेट भी दूंगा जिससे आप मिल सकते हैं, नहीं तो कॉल पर बात कर कर भी वो आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देगा विद नो चार्जेस। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको चार्जेस लिए जाएंगे, वो एडवोकेट बोले कि मेरे को $100 मेरी फीस है, मेरी $50 फीस, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, मेरे को डेफिनेटली टेक्स्ट मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपकी बात सुनूंगा, आपका प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी सीट बेटर रहेगी, ओके, कौन सा सेशन आपके लिए बेटर रहेगा, आपके लिए कौन सा स्टेटस अभी बेटर रहेगा केरला में स्टे करने के लिए। ओके, वो डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर, क्योंकि हर बंदे की फाइनेंशियल सिचुएशन पास्ट डिफरेंट होता है, तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके, तो आज की वीडियो में इतने, बस मेन गाइड है ये कि अभी USA में थोड़ी स्टिकनेस बढ़ने वाली है, तो
तो डंकी का प्रोसेस मत लगाइए सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर। हर चीज के दो पहलू होते हैं। सिर्फ अच्छा मत सुनिए कि मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोल दिया तो मैं यूएसए का डंकी लगा दूँ। कि मेरे हस्बैंड के ऐसे भी हैं यार जिनका कैनेडा में बढ़िया काम सेट था, दो सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके थे, थर्ड सेमेस्टर की फीस थी, बंदा बढ़िया सीन पर काम कर रहा था, फैमिली में कोई इशू नहीं था, जस्ट फ्रेंड के कहने पर बंदा वो यूएसए की डंकी लगा गया। वहाँ पर उसको इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, उसको वर्क परमिट भी मिल गया, वो काम भी कर रहा था, बट वो बोला मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है, मैं फैमिली से बात नहीं कर पाता, फ्रेंड से बात नहीं कर पाता, ना उसका कोई कनाडा में उसके रिलेटिव थे, बेस्ट फ्रेंड थे, ब्रदर्स थे, हेल्प थी, सब कुछ थी, बट यूएसए में वो अकेला है। वो कहता मैं ऐसे जी रहा हूँ जैसे मेरे चीज में जैसे कुछ भी नहीं होता, बस चुपे जाता हूँ, काम पे वापस आ जाता हूँ, कोई बात करने वाला नहीं है, कनाडा में फ्रेंड को कॉल करता हूँ तो वो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। तो मतलब वो चीज़ वो उसका मेरी कहता मेरे से सजेशन पता क्या रही, ये नहीं लिए कि मैं यूएसए में भी क्या करूँ। उसने बोला मेरे कनाडा वापस आना है, कैसे मर्जी आऊँ, लीगल इलीगल कैसे मेरे को आना है। तो मैंने उसको वो भी गाइड की थी, एडवोकेट से उसकी बात भी करवाई थी, वी होप उसका सलूशन भी जल्दी हो जाएगा, वो किसी कोड़े से कनाडा में वापस आना है। थोड़ा डिफिकल्ट है बट आई होप अगर सही रहा केस वगैरह उसने नहीं अप्लाई किया होगा तो उनको शायद मिल जाएगा। ओके तो आज की वीडियो में इतना ही शुरू। तो कोविड सीजन लेने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा, देन कुछ भी कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें सुनने में जितनी ईजी लगती हैं उतनी होती नहीं है, उसकी डिफिकल्टीज आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। ओके तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो बंदा सोच रहा है कि मैं यूएसए की डंकी लगा लूँ तो मेरी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी।